अखिल महाराष्ट्र कुम्हार विकास संस्था द्वारा शहर और ग्रामीण वासियों को सूचित किया गया है कि 8 से 10 सितंबर प्रभु गणेश मूर्ति विक्री की दुकानें कृषि उत्पन्न बाजार समिति कापूस मार्केट यार्ड में लगाई गई है। आने वाले गणेश उत्सव में सभी गणेश भक्तों ने गणेश मूर्ति यहाँ की दुकान से खरीदी करने का आह्वान सोमवार 6 सितंबर को महिला अध्यक्ष प्रेमिला विजय झिंगरे ने किया। शासन ने प्लास्टर ऑफ पैरिस मूर्ति पर बंदी लाई है। इसके बावजूद कुछ मूर्तिकार घर से ही चोरी के मार्ग से उन मूर्तियों को बेचने की जानकारी है। गणेश भक्त की इस प्रकार धोखाधड़ी न हो इसलिए अपील की गई है। कुम्हार विकास संस्था जिला अध्यक्ष कुंदवंत पाटिल और महिला अध्यक्ष प्रेमिला विजय झिंगरे इन्होंने जनता का हित ध्यान में लेकर और सुरक्षितता को संभाल कर गणेश मूर्ति के लिए ये यार्ड उपलब्ध किया है। समस्त गणेश भक्त को विनती की जाती है कि कोरोना नियम का काटोकर पालन करके पर्यावरण पूर्वक गणेश मूर्ति को लेकर ही गणेश उत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। अखिल महाराष्ट्र कुंभार विकास संस्था हिंगणघाट यांच्या वतीने दिनांक 8 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये संपूर्ण गणपतीचे दुकानाचे स्टॉल उभारण्यात येणार आहे व त्याची विक्री 8 ते 10 तारखेपर्यंत सर्वांना शहरवासियांना त्याचा लाभ मिळणार आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन माननीय उपविभागीय अधिकारी आणि पोलीस स्टेशन हिंगणघाटचे ठाणेदार चव्हाणसाहेब यांनी काही दिशानिर्देश दिलेले आहेत। त्यामध्ये मूर्ती विकत घेण्यासाठी फक्त दोनच व्यक्तींना प्राधान्य राहणार आहे। प्रत्येकाने मास्क लावणे अनिवार्य केलेले आहे। दोन व्यक्तीमध्ये कमीत कमी 3 फुटाचे अंतर असणे आवश्यक आहे आणि दुकानात आल्यानंतर कुणी बुकिंग करतात मूर्ती तर बुकिंग न करता थेट जर घेऊन गेले तर शेवटल्या दिवशी गर्दी होणार नाही व आपल्याला गर्दी टाळता येईल। या सर्व गोष्टीचा अवलंब करून सर्व हिंगणघाट आणि ग्रामीण वासियांनी कापूस मार्केट यार्ड काळी सडक इथे येऊन गणपती मूर्ती विकत घ्यावी आणि सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करून विघ्नहर्त्या बापाला कोरोनापासून आम्हाला दूर ठेव अशी प्रार्थना करूया। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।